नाहिद अंसारी जो पाकिस्तान भर में और उससे बाहर अपने खाने पकाने की महारत और टेलीविज़न पर गर्म जोशी की वजह से शोहरत रखती थी, कैंसर के साथ एक बहादुर जंग के बाद जुमे को इंतकाल कर गई। नाहिद आपा के नाम से जानी जाने वाली प्यारी शेफ़ ने अपनी ज़िंदगी के 35 साल से ज़्यादा खाने पकाने के लिए वक्फ किए, जिससे खाना पकाने के मंसरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े गए। नाहिद अंसारी के कुकिंग शोज़ ने ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हुए बल्कि उनकी रेसिपीज़ में महारत की वजह से दुनिया भर में पसेराई हासिल की, जिसने लातदाद नाजरीन को खुश कर दिया। नाहिद अंसारी के क्रिएटिव हैंड्स में यानी उनके क्रिएटिव हैंड्स में बतौर डायरेक्टर खदमात अंजाम देने के साथ ही उसकी शराकतें स्क्रीन से भी आगे बढ़ गईं, जहां उसने खाना पकाने और बेकिंग के मौसम गर्मा के बड़े पैमाने पर मशहूर कोर्सेज के ज़रिए ख्वाहिशमंद शेफ़ों और पुरजोश घरेलू बावर्चियों को अपनी खाना पकाने की हिकमत अमली फ्राहम की। अपनी पेशा वराना कामयाबियों के अलावा नाहिद आपा को उनके नरम रवैये की वजह से कदर की निगाह से देखा जाता था, जो इंडस्ट्री और उससे आगे के बहुत से लोगों के लिए इल्हाम और रहनुमाई के लिए काम कर रही थी। उसके इंतकाल से ना सिर्फ लोगों के दिलों में गहरा खला छोड़ दिया है जो इसे ज़ाती तौर पर और उसके टेलीविजन पर मौजूदगी के जरिए जानते थे। एक मुमताज़ टीवी मेज़बान सिदरा इकबाल ने नाहिद अंसारी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया, जिसमें खाना बनाने वाले तबके पर उनके नुमाया असरात और उनकी ज़िंदगियों को जाहिर किया गया, जो उन्होंने खाने के लिए अपने जज्बे और रूह की सखावत के साथ छोड़े हैं।